लुधावली में पुंगा आदिवासी ने किया सास की बोर पर कब्जा, 1000 लोग पानी के लिए परेशान। एसडीएम से लगाई गुहार। शिवपुरी शहर के लुधावली में स्थित 1000 लोग पानी के लिए परेशान हैं। लुधावली के पुंगा आदिवासी ने सास की बोर पर कब्जा कर लिया है, चारों तरफ से बाउंड्री का निर्माण करा रहा है। इसकी शिकायत आज रहवासियों ने एसडीएम ऑफिस में दर्ज कराई है। लुधावली के रहवासियों ने बताया कि 21 तारीख से पुंगा आदिवासी ने बोर का कनेक्शन काट दिया, जिसके कारण उन लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। वह पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं और दूसरी जगह से पानी लेकर आ रहे हैं। 200 फुट की जगह पर वह चारों तरफ से बाउंड्री निर्माण करा रहा है और जमीन को बेचना चाहता है, जो कि शासकीय जमीन है, और शासकीय जमीन पर बोर है। 3 दिन से परेशान होकर रहवासी आज एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां एसडीएम को उन्होंने पूरी बात बताई, जिसके बाद एसडीएम ने तत्काल स्टाफ भेजने की बात कही। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? लुधावली से। क्या समस्या लेके आए हो, क्या समस्या आ रही है? सर, पानी से बहुत परेशान है। सरकारी बोर था तो वो उसने कब्जा कर लिया उस पर, अब पानी बोर भी तोड़ दिया। कौन ने कर लिया? पुंगा ने, आदिवासी। तो उसका है क्या बोर? नहीं तो सरकारी बोर है सर। सरकारी है? तो एसडीएम साहब ने क्या बोला आपसे? मैंने बोला था कि 1 घंटा के अंदर में आदमी यहाँ पे पहुँच रहा है। तो कितने लोगों को पानी पहुंचता है? कम से कम 1000 जनता पानी पीते हैं। सभी जगह एक ही बोर है वहाँ पे? एक ही बोर है और ज्यादा ही, ज्यादा हो जाती है बनने के। चारों तरफ नल भी नहीं आ रही, तो पानी से नल भी नहीं आ रहे, तो बहुत परेशान पानी। इससे पहले भी कब्जा किया है क्या उसने? नहीं, वो तो 2-3 दिन से उस नीब बोर घर बनाने लगा। अच्छा, वो बोर भी उसी में नीब में ले लिया अंदर? पूछो, तुम पूछो। क्या नाम है तुम्हारा? भीमा। कहाँ से आए हो? नदावली मधेपुरा। आज एसडीएम साहब के आए, क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि वो पुंगा जो आदिवासी है, जो हमारी साक्षी जगह है, उस पर कब्जा किया है। जो बोर चल रही थी 3 दिन से हमारे गांव वासियों के लिए, किसी को भी पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। सभी जनता उधर उधर भटक रही है। कब से नहीं हो रहा? ये हो रही है 21 तारीख से। तो ये मतलब सरकारी बोर है क्या? सरकारी बोर है, सरकारी चबूतरा बना हुआ है। और जो एसडीएम महिला थी बहन जी पहले, और कलेक्टर महोदय भी महिला थी, उनने कह के वो खुद गई थी, ये साक्षी जगह है तुम्हारी, ये मंदिर हम बना के जा रहे हैं और ये बोर भी तुमको लगवा रहे हैं। तो कल 21 तारीख में उनने हमारा बोर का कनेक्शन काट दिया, तोड़ दिया, 3 दिन से पानी के लिए परेशान। कितने परिवारों को पानी मिलता है वहाँ से? वहाँ पे बहुत परिवार हैं, 1000 आदमी की संख्या। सभी का काट दिया है, बोर ही एक ही है मैदान। अच्छा, बोर का कनेक्शन काट दिया, तो वो अब वो क्यों खुद यूज कर रहा है क्या? वो जो कर रहा है कि मेरी जगह है, उस पर कब्जा करके और उस जमीन को बेचना चाहता है। कितनी जमीन है? जमीन होगी कम से कम, नहीं तो 200 फुट के करीब। अच्छा, एसडीएम साहब ने क्या कहा आपसे अभी? अभी 2 घंटे में पहुंच रहे हैं, तत्काल आदमी भेज रहे हैं।